मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के ग्राम ब्रह्मापुर शासकीय विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय जाने के लिए सड़क ना होने की वजह से पहली बारिश में ही भारी परेशानी हो रही है। कीचड़ रास्ते पर पसरा पड़ा है, रोड गड्ढों में तब्दील होकर तालाब का रूप ले चुका है। स्कूल जाने वाले रास्ते पर चलना दूभर हो गया है, जिससे स्कूली बालक बालिका स्कूल जाने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ब्रह्मापुर गांव के शासकीय विद्यालय में 2000 से अधिक बच्चे विद्या अध्ययन करने स्कूल में आते हैं। आज़ादी के 72 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए रास्ते पर सड़क का नामो निशान तक नहीं है, जिससे स्थानीय बालक बालिकाएं काफ़ी परेशान हैं। यह रोड बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल यहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, खड्डे में पानी में गिर गिर के। आज आज़ादी के पहले से रोड ऐसा कैसा पड़ा है, कोई ध्यान नहीं है। सरकार आती है, सरकार चली जाती है, उसके बाद भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इस रोड पे बहुत समस्या होती है चलने में, कीचड़ अभी ज़्यादा होता है पानी के दिनों में, खड्डे भरे हुए रहते हैं तो निकलने की समस्या होती है। किताबें कहीं की जाती तो हमारे कपड़े गंदे होते हैं, तो सड़क की समस्या है जो बहुत खतरनाक है। हर बार हम स्कूल आते हैं, सारी ड्रेस सब खराब हो जाती है, धूल वगैरह सब कीचड़ बहुत है। स्कूल सड़क मामले को लेकर नगर के जनप्रतिनिधि आम जनता ने पूर्व सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस समस्या से अवगत कराया था, जिस पर रोड की स्वीकृति भी हो चुकी थी, लेकिन रोड टेंडर राशि पंचायत में न आने की वजह से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का ये रास्ता गले की फांस बनता जा रहा है। अब असली मामा होने का दावा करने वाले कमलनाथ और उनके जनप्रतिनिधि शासकीय विद्यालय पर रास्ता बनाने की पहल में विद्यार्थियों को कितनी जल्दी राहत देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोपहर न्यूज़ के लिए मेघनगर से पवन नाहर की रिपोर्ट।